इसके अंदर है उत्तरजीविता, वृद्धि तथा विकास। ठीक है, लेसन 11 ले रही हूँ मैं आज। उत्तरजीविता मतलब व्यक्ति किस प्रकार जीवित रह सकता है, बच्चे किस प्रकार जीवित रहे हैं, उसके मापदंड क्या रहा है, वृद्धि उसका किस तरह रहा है, विकास किस तरह से हुआ है। ठीक है, इस अध्याय को पूरा करने के बाद शिक्षार्थी समझ जाएंगे कि उत्तरजीविता, वृद्धि और विकास की संकल्पनाओं की व्याख्या, वृद्धि तथा अथवा स्वास्थ्य के पारस्परिक संबंध का विश्लेषण, बाल्यावस्था के विभिन्न चरणों के लक्षणों की चर्चा करना, विकास के पड़ावों का वर्णन करना, बाल्यावस्था के विभिन्न क्षेत्रों का विकास की जांच। ठीक है, जो ये लेसन है ये हमारा जो सेकंड बुक है हमारी, ठीक है, उसके अंदर है ये वाला आपका। ठीक है, उत्तरजीविता का अर्थ। उत्तरजीविता शब्द के कई अर्थ होते हैं, पर मूल रूप से हम जीवित रहने, बने रहने तथा मूलभूत स्तर पर जीवन संबंधी अनिवार्य कार्य करते रहे से जोड़ने से है। जब बच्चों को की उचित देखभाल की जाती है, उन्हें पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराया जाता है तथा रोग पैदा होने वाले जीवाणु से उसकी सुरक्षा की जाती है, तो वह जीवित रहते हैं और बुनियादी कार्य करने में सक्षम रहते हैं। पोषक तत्वों की कमी होने पर अथवा संक्रमणों से ग्रस्त होने जाने पर उन्हें आक्रमण से उबारने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये उनकी उत्तरजीविता के लिए एक संकट है। निम्न आय वाले परिवार के बच्चों के लिए अतिरिक्त भोजन की व्यवस्था करना, उन्हें सही मात्रा में पर्याप्त पोषण तत्व देना अत्यंत आवश्यक है। शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था के जानलेवा रोगों जैसे कि तपेदिक, काली खांसी, डिप्थेरिया, पीलिया, टेटनस आदि रोगों के लिए उसकी प्रतिरक्षा करना आवश्यक होता है। मलेरिया, न्यूमोनिया, ठीक है, जैसे रोगों से बच्चों को जीवन से खतरा रहता है। वर्ष 2007 में यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार विश्वभर में 92 लाख जीवित बच्चे पैदा हुए 5वें जन्मदिन पर पहले वह मर गए। मरने वाले बच्चों की संख्या में से 30 लाख बच्चे विश्व के हमारे देश, इलाके, खंड व दक्षिणी एशिया के ही थे। इनमें से अधिकांश बच्चे विकासशील देशों से हैं, जिनकी मृत्यु किसी ऐसे रोग या रोगों के समुच्चय से होगी जिसकी रोकथाम और उपचार सहजता से की जा सकती थी। निमोनिया के लिए एंटीबायोटिक्स, अतिसार और के लिए नमक, चीनी का सरल घोल का उपयोग किया जा सकता था। इसमें से 1/3 से अधिक मृत्यु कुपोषण के कारण होती है। विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष से कम आयु के 17% बच्चों की मृत्यु अर्थात प्रतिवर्ष 20 लाख बच्चों की मृत्यु अतिसार के कारण हुई। विश्व भर के बच्चों की मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा यही कारण रहा है। बाल मृत्यु का निर्धनता के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है। निर्धन देशों, धनवान देशों के निर्धनतम लोगों के लिए शिशु व बाल उत्तरजीविता की प्रगति बहुत धीमी रही है। जन स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत स्वच्छ जल व बेहतर स्वच्छ साफ सफाई की कुंजी रही है। शिक्षा, विशेषकर लड़कियों की माताओं की शिक्षा, बच्चों के जीवन के लिए भी बचाने के लिए भी सहायक रही है। आय में वृद्धि में सहायक हो सकती है, किंतु जब तक तंदुरुस्त लोगों को तक इन सेवाओं पहुंचने के पुख्ता प्रबंध नहीं होगा तब तक ये कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। कोई बच्चा ठीक से तभी बड़ा होगा जब उसमें वातावरण में जरूर साधन उपलब्ध होगा। किसी तरह के जीवन यापन कर रहे कोई भी बच्चा सही ढंग से अपना विकास हासिल नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति में बच्चों की वृद्धि पूर्णतः थम सी जाती है, इससे वृद्धि रुक भी जा सकती है। आइए बच्चों की वृद्धि के बारे में हमें अधिक सीखने के प्रयास करेंगे।